बेटा समीर कहाँ चले गया? स्कूल नहीं जाना क्या? हाँ बापू आया। बेटा आज तेरा 12वीं का पहला दिन है। मुझे पता है कि तू पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी बेटा नए नए दोस्त हो गए आप बहुत कुछ। अपनी पढ़ाई में ध्यान देना और मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ बना रहेगा। आपका भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा, ठीक है बापू? मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, चल तो चल अच्छे से जाना। चलो ठीक है, मैं भी खेत जाता हूँ। और काका क्या चल रहा है? सब बढ़िया है बेटा। कहाँ है समीर, आजकल दिखता नहीं है। अरे पढ़ाई लिखाई में लगा दिए हैं इसको। अच्छा, मैंने देखा ना आप तो पूरा काम धंधा कर रहे हो बेचारे को, उसको पढ़ा रहे हो। हाँ बेटा, मैं चाहता हूँ कि वो ये बहुत बड़ा आदमी बने और अपनी जिंदगी में खुश रहे और किसी के सामने उसको हाथ फैलाने की जरूरत मत पड़े। सही बात है ना काका, आपने भी बहुत किया अपने जिंदगी में। बस यही चाहता हूँ कि वो खुश रहे और उसको अगर मुझे, मैं खुद भी बिक जाऊंगा उसके लिए और उसको पढ़ाऊंगा। हाँ काका, लेकिन आपको पता है आपने पूरी जमीन बेच दी, अपना घर बेच दिया हूँ उसको पढ़ाने के चक्कर में, लेकिन अभी पढ़ाई में बहुत पैसा लग रहा है। आपको पता भी है इसके बारे में? आगे क्या करूँगा फिर उसके लिए? इसी की चिंता तो मुझे दिन रात खाए जाती है, क्या बताऊँ। ऐसे भी आपकी खेती वेती हो नहीं रही है ढंग से। हाँ बेटा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि और आगे कितना पैसा लग सकता है? अच्छा मैं बता सकता हूँ, चलो बैठते हैं, 6 महीने में बताता हूँ आपको मैं। आगा पैसे तो बहुत लगेंगे उसको पढ़ाने के लिए। आज उसकी 12वीं की पहली क्लास है, पता नहीं एडमिशन की फीस कितनी लगती थी। आका अभी तो सब पैसे में ही काम चलता है और कुछ नहीं है, 60 से 70 हज़ार रुपये लग सकते हैं उसको पढ़ाने के लिए अभी 12वीं में ही, फिर आगे का कैसे करूँगा? और तुम्हारी तो ऐसी भी खेती किसानी सब बेच दी हो तुमने। पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करूँ। ठीक है देखो अभी कैसे क्या कर सकते हो तुम, तुम्हारी भी बहुत परेशानी है। कुछ हो सके तो मैं भी करूँगा तुम्हारे लिए, बस ये फसल अच्छी हो जाए फिर मैं पूरे पैसे निकाल लूँगा। वो लगता है काका कि खेत में तुम्हारी फसल भी होगी, या तो बारिश भी नहीं होगी, ऐसा बोल रहे हैं। सुनो समीर, तुमको तो पता ही है तुम 12वीं क्लास में पहुंच गए, और अब 12वीं में पहुंच गए हो तो फीस भी ज़्यादा लगेंगी, तो ये रहा तुम्हारा नोटिस और कल तक फीस जमा कर देना। हाँ सर, पर सर इतनी फीस 55,000, हम बहुत गरीब है सर। सर इतनी फीस मेरे बापू कहाँ से जमा कर सकते? देखो वो सब मैं नहीं जानता, कल तक बस फीस जमा कर देना, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगा। सर इस बार तो हमारी अच्छे से खेती भी नहीं हुई है, सर इतनी फीस मेरे बापू कहाँ से लाएंगे? सर प्लीज़ सर, सर सर प्लीज़। अगर कल तक फीस जमा नहीं करे तुमने तो तुम्हारी सीट किसी और को दे दी जाएगी। प्लीज़ सर ऐसा मत बोलिए, सर इसकी नौबत नहीं आएगी। सर मैं घर जाके बापू से बात करता हूँ।
अरे यार, पापा और विजय तो यहाँ बैठ के बात कर रहे, अब इनके सामने मैं अपनी स्कूल फीस की बात कैसे करूँ। एक काम करता हूँ, इनकी बातें पेड़ के पीछे से सुनता हूँ। बस ये फसल अच्छी आ जाए। तुमको लगता क्या है फसल आएंगी भी अच्छी? पूरी बंजर जमीन है तुम्हारी, तो पानी आने का भी आशंका नहीं है। दुआ कर कि बस बारिश हो जाए, उसके आने का समय भी हो गया है। तुम भी रुको, पता नहीं कितनी फीस लगती है, देखते आने फिर पता करते हैं उससे। अब यार, अब अपने बापू को कैसे बताऊं कि मेरी स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा है कि हम दे नहीं सकते, ऊपर से हमारे खेत और घर गिरवी है। अब मैं क्या करूँ, और स्कूल की फीस कल जमा करना है। प्रिंसिपल सर तो मेरी बातें भी नहीं सुन रहे, अगर मैं कल के कल फीस जमा नहीं किया तो मेरी सीट किसी और को दे देंगे। अभी तक के मैं पापू ने मेरे ऊपर जितना खर्च किया है उससे ज़्यादा ही रकम है, और हमारे खेत में तो एक भी फसल नहीं आई। अब मैं क्या करूँ? बस अब बहुत हुआ, मैं अपने पापू को बुढ़ापे में इतना टेंशन दूंगा तो उनकी पता नहीं, एक तो हालत और बिगड़ी है और बिगड़ जाएगी। इससे अच्छा तो मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ। कम से कम इस बुढ़ापे में मेरे बापू के सर से मेरा बोझ तो हटेगा। एक काम करता हूँ, मेडिकल जाता हूँ, मेडिकल से पॉइजन लेके आता हूँ और उसे पी लेता हूँ। इस ज़माने में हम जैसे गरीब किसानों की इस दुनिया में कौन सुनता है। गया तो मेरे बापू का क्या होगा? पर मुझे इतना तो विश्वास है कि मेरा दोस्त विजय और गांव वाले मिलके बापू को कैसे भी संभाल लेंगे। वो जिन घर जो